हम सब के वस्त्र लौटा दो। आखिर भगवान श्री कृष्ण क्यों किए थे गोपियों की वस्त्र चोरी? ऐसे आपकी मन में भी ये सवाल आता होगा कि स्वयं भगवान का अवतार होकर भी श्री कृष्ण गोपियों की वस्त्र क्यों किए थे चोरी? दरअसल एक बार गोपियों को निर्वस्त्र होकर नहाते हुए देखकर श्री कृष्ण उनकी वस्त्र को पेड़ के ऊपर छुपाकर वहीं बैठ जाते हैं और उन सभी को देखते रहते हैं, जिससे गोपियां पूछते हैं, हमें निर्वस्त्र देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आती? श्री कृष्ण बोलते हैं, मुझे क्यों लज्जा आएगी, तुम निर्वस्त्र नहा रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गोपियों की अपनी वस्त्र मांगने पर श्री कृष्ण बोलते हैं, पेड़ पर तुम्हारे वस्त्र है, जाओ और ले लो। गोपियां बोलते हैं, हम तो निर्वस्त्र हैं, हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? श्री कृष्ण बोलते हैं, जब तुम नहाने गई थी तब भी तुम निर्वस्त्र ही गई थी। जिससे गोपियां बोलते हैं, उस समय कोई भी यहां पर नहीं था। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि यहां पर कोई भी नहीं था? मैं तो हर जगह हर समय उपस्थित रहता हूं, और आसमान में उड़ने वाले पक्षी तथा वन में रहने वाले जानवर भी तो यहां उपस्थित थे, तथा पानी में रहने वाले मछली तथा स्वयं वरुण देव भी यहां पर मौजूद थे। इतना सुनते ही गोपियों को अपनी गलती का एहसास हो जाती है और श्री कृष्ण से माफी मांगते हैं।